चुनाव के मद्देनजर कराहल पुलिस ने जिला बदर आरोपी और गुंडे बदमाशों की धरपकड़ शुरू की। खबर कराहल से है, जहां नवंबर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर श्योपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राय सिंह नरवरिया द्वारा आदतन अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कराहल थाना प्रभारी संजीव तिवारी ने भी पुलिस बल के साथ बुधवार को पहले से जिला बदर किए आरोपी को सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से 12 बार का कट्टा और 1 जिंदा राउंड मिला, जिसके तहत आर्म्स एक्ट की में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी। इस तरह 3 अन्य बदमाशों को और गिरफ्तार किया गया। कराहल TI संजीव तिवारी ने हमसे बात करते हुए बताया कि शांतिमय तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए ये कार्यवाहियां निरंतर जारी रहेंगी। आज सर चुनावों को मद्देनजर देखते हुए सर क्या कराहल पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है? माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा एक जिला बदर का आदेश जनवरी 2023 में आरोपी के विरुद्ध किया था। वो 1 साल के लिए उसको आसपास के जिले श्योपुर, शिवपुरी, मुरैना और ग्वालियर से जिला बदर किया था, परंतु उसकी यहाँ कराहल में होने की सूचना मिली थी, जिस पर से पुलिस पार्टी भेजकर उसको गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक कट्टा भी बरामद हुआ है 9 राउंड के, तो उस पर उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई है। आज चुनाव के तहत वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के पालन में वारंटी, स्थाई वारंटी, फरारी को पकड़ने के पालन में 4 स्थाई वारंटी, ग्राम शोधना के भी पकड़े।